हाय गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइस आज हम आपको बताने वाले कंपोनेंट के बारे में डिटेल। तो गाइस हम वीडियो में किस किस कंपोनेंट का यूज करते हैं तो आप देखते रहिए। तो गाइस देख सकते हो हमारे पास एक तो ग्लू गन है जिसका हम वीडियो में यूज करते हैं, एक हमारे पास ये मल्टीमीटर का जिससे हम बैटरी को चेक कर सकते हैं, और देख सकते हो कुछ सोल्डरिंग आयरन का वायर है यानी कि रंगा, ये पेस्ट है गाइस और ये सोल्डरिंग आयरन है। इसके बाद गाइस आता है हमारे पास 1850 लिथियम आयरन सेल, जो कि हमारे पास देख सकते हो कुछ इतने सारे सेल रखे है। और उसके बाद गाइस आते हैं टॉय मोटर, ये तो गाइस आगे वाले तो टॉय मोटर है, ये 775 मोटर है गाइस, गियर मोटर है और ये 555 वाली। इसके बाद गाइस आता हमारे पास देख सकते हो कुछ एलईडिया भी है, जैसे कि ये 12 वोल्ट से दोनों ऑपरेट होती है गाइस, ये भी 12 वोल्ट यानी कि हेडलाइट है ये तो गाइस हमारे स्कूटर की। और कुछ आप गैजेट देख सकते हो, इतनी सारी हमारे पास एलईडिया है तरह तरह की। गाइस गाइस आता है जो हमने अभी पिछली वीडियो में ऊपर बनाया था गाइस, जो कि हमने इसमें रख दिया है। कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट हम गाइस इसके अंदर रख देते हैं, देख सकते हो आप इंस्टेंट फेविक्यूब है गाइस, देख सकते हो इसका भी हमें यूज करना होता है गाइस। ये सेलो टेप है और ये दोनों ब्लैक टेप है, और गाइस ये नॉर्मल देख सकते हो आप पेपर कट कर मशीन है, जैसे कि हम बीच में इसमें छेद करना होता है तो हम इसकी मदद से कर लेते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में। और ये गाइस हमने अभी वीडियो बनाई थी फिलहाल में, लेकिन अभी अपलोड नहीं करी है इसके बारे में, तो आप देखते रहिए। देख सकते हो गाइस हमारे पास चार्जिंग मॉड्यूल भी रखे, यानी कि पावर बैंक के मॉड्यूल है गाइस, ये देख सकते हो कुछ इतने तरह के। और ये गाइस ये दोनों है जो कि पैम 8403 मॉड्यूल है, जैसे कि हमें स्पीकर चलाने होते हैं तो इनकी मदद से हम चलाते हैं। और गाइस ये है जो कि नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इनको भी रखते हैं हम साथ में। और ये गाइस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल आप देख सकते हो, इसके भी ऊपर हमने वीडियो बना रखी चैनल पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद गाइस आता है सूर्य प्लेट, जो कि गाइस 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक एक प्लेट निकालती है। और उसके बाद देख सकते हो गाइस आप हमें पास यानी कि प्रकार जिससे हम गाइस किसी को मार्क करना हो तो इसकी मदद से हम कर लेते हैं। और गाइस उसके बाद आता गाइस ये हॉर्न, जो कि हमने पिछली साइकिल में इसको सेट करा था आप देख सकते हो जाकर। उसके बाद गाइस देख सकते हो ये हीटिंग एलिमेंट है हमारे पास, जिससे हम सोल्डरिंग आयरन को मतलब हमारा सोल्डरिंग आयरन खराब हो जाता है तो उसको हम इसकी मदद से रिपेयर कर सकते हैं। अब आता गाइस हमारे पास कुछ प्रोपेलर आप देख सकते हो, तो हमारे पास 3-4 तरह के प्रोपेलर है भाई, हम छोटे फैन बनाते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, और बड़े फैन बनाते हैं तो इन दोनों का कुछ। इसके बाद देख सकते हो हमारे पास अडेप्टर भी है, तो गाइस ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है, ये भी 12 वोल्ट का अडेप्टर है गाइस, ये दोनों 5-5 वोल्ट के अडेप्टर है। और इसके बाद गाइस आते हैं हमारे पास वायरिंग, गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह के हमारे पास वायर रखा है, एक बंडल हमने लेके आए परचेज करा अभी नया वाला, कुछ इतने सारे इसके अंदर वायर है गाइस। इसका मैं आपको फाइनल लुक बताता हूँ, कुछ तरह के हमारे पास कंपोनेंट है, आप देखते रहिए। तो फाइनली आप गाइस देख सकते हो, और कुछ कंपोनेंट हमने आपको दिखाया नहीं है गाइस, वो अभी मतलब अच्छी तरीके से सेट नहीं, इसलिए हमने आपको बताया नहीं है। आज देख सकते हो कुछ इतने सारे हमारे पास कंपोनेंट है ये। ऐसी वीडियो देखनी हो तो प्लीज हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए ऑल पे सेट। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, लव यू टाटा बाय बाय।